तो सस्पेंस खत्म करते हैं और आज है हमारे पास सबका प्यारा आयरन मैन का आर्क रिएक्टर। बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल वीडियो होने वाला है और वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। चाहे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो आयरन मैन के बहुत ज़्यादा बड़े फैन हैं या फिर मार्वल फैन है। तो भाई मैं इस आर्क क्रिएटर के बारे में बात कर रहा था और मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए कि भैया आपने आर्क क्रिएटर कहाँ से लिया, ये ओरिजिनल है कि नहीं, इसका प्राइस क्या है, ये कहाँ से मिलता है और परचेज कहाँ से करना है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं देने वाला हूँ और इसका रिव्यू करने वाला हूँ छोटा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल गैजेट है और मेरा डेली ड्राइवर है, मेरे डेस्क में रहता है, मैं डेली इसको देखता हूँ। भाई नेक्स्ट लेवल लगता है देखने में और डेस्क के लिए डेकर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसके बारे में पूरा ही बात करते हैं। ये वाला छोटा सा आर्क क्रिएटर है ये मेरे पास आया है फैनेटिक्स फाइंड की तरफ से, जिसका इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे देखने मिल जाएगा, fanatics_find, जिसमें बहुत सारे नेक्स्ट लेवल गैजेट्स मिलते हैं। सिर्फ ये नहीं बल्कि आपको एनिमे मर्चेंडाइज और डीसी और मार्वल के मर्चेंडाइज भी देखने मिल जाएंगे और नेक्स्ट लेवल प्रीमियम प्रोडक्ट्स विथ लो बजट लो कॉस्ट में सब देखने मिल जाते हैं और नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये वाला जो है ये उनकी तरफ से एक गिफ्ट आया था मेरे लिए और ये भाई एक छोटा सा लैंप है जो कि नेक्स्ट लेवल लगता है, टेबल डेकोर है और इसमें आपको मिलता है ये आर्क रिएक्टर जो कि यहाँ से डिटेचेबल है, यहाँ से ऐसे खुल जाता है आप देख ही सकते हो, और हमें एक छोटा सा उसका जो पिन मिलता है यहाँ पीछे साइड जो कि काम का नहीं है और आप इसको रोटेट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे, और ये पूरा ही इलेक्ट्रिक से चलता है, मतलब पूरा ही आप इसको केबल से चला सकते हो। तो इसके साथ आपको एक ऐसा वाला अडेप्टर देखने मिलता है जिसमें आपको दो पिन्स देखने मिल जाएंगे और इसको आपको इसके पीछे ऐसा इंसर्ट करना है और इसके बाद ये ग्लो करने लगेगा और ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल लगता है देखने में। वैसे ये आयरन मैन का आर्क रिएक्टर जो पहले वाला उसने बनाया था केव के अंदर, आर्क रिएक्टर मार्क 1 वाला, जो कि बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लगता है देखने में। भाई ये बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल लगता है और जिस बजट में आता है अब बिलीव नहीं कर सकते, इसका बजट अराउंड 4000 है और नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है आयरन मैन फैंस के लिए। तो देखते हैं ये कैसा लगता है जब हम इसको प्लग इन करते हैं। तो इसके केबल में आपको दो पिन्स देखने मिल जाएंगे, बड़े वाले पिन को आपको यहाँ इंसर्ट करना है और ये हो गया हमारा पिन इंसर्ट। इसके बाद ये है हमारा आर्क रिएक्टर ग्लू करते हुए, भाई लगता है ना नेक्स्ट लेवल देखने में, आप खुद बताइए कि आपको कैसा लगा। तो इसमें आपको एक ही कलर देखने मिलता है क्योंकि ये आर्क रिएक्टर मार्क 1 है जो कि सबसे पहला वाला आर्क रिएक्टर है। ये पूरा ही प्लास्टिक है, इसमें आपको मेटल के कॉपर वायर्स देखने मिल जाएंगे, ये पूरा मेटल है और ये पीछे आपको थोड़ी सी रबर की फिनिशिंग देखने मिल जाएगी, थोड़ी सी प्लास्टिक की फिनिशिंग देखने मिल जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी है ये। आप इसको यहाँ से डिटैच भी कर सकते हो और लगा भी सकते हो, वेरी सिंपल, रोटेट भी कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में आपकी मर्जी। और ये वाला जो आर्क रिएक्टर है ये मेटल और प्लास्टिक का मिक्स है, इसमें जो आपको वायर्स देखने मिलते हैं ये पूरा एक कॉपर वायर है। भाई देखने में लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पूरा एकदम से ओरिजिनल मर्चेंडाइज है और नेक्स्ट लेवल लगता है। ये जो पिन भी है ये पूरा मेटल का है, तो आपको इसमें जो भी फीचर्स मिलते हैं, मतलब जो भी लाइट इसमें देखने मिलता है आपको, आप इसको पूरी रात ऑन करके रख सकते हो क्योंकि इसमें जो आपको अडेप्टर भी देखने मिलता है वो अच्छे क्वालिटी का है। तो भाई मेरे को तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आयरन मैन फैंस के लिए नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है और इसमें आपको एक बड़े बड़े अक्षरों में देखने मिल जाता है प्रूफ दैट टोनी स्टार्क हैज़ ए हार्ट। तो ये जो चीज़ है ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है आयरन मैन फैंस के लिए, जो भी मार्वल फैंस हैं उनके लिए। और ऐसे ही मर्चेंडाइज आपको और भी देखने मिल जाएंगे फैनेटिक फाइंड्स के जो इंस्टाग्राम पेज पे, आप उनको डायरेक्ट DM कर सकते हो और प्राइजेस पूछ सकते हो और वहीं से आप डायरेक्ट उसके ऑर्डर भी कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो ये वाला आर्किटेक्टर है इसके 3 और मॉडल्स आते हैं, एक आर्किटेक्टर जिसमें बिना केबल का सिर्फ बैटरी से ऑपरेटेड होता है और बिना स्टैंड का, जो कि बेस मॉडल है। उसके बाद एक और मॉडल आता है जिसमें बैटरी ऑपरेटेड है लेकिन इसमें आपको स्टैंड देखने मिल जाएगा, और तीसरा सबसे हायर वर्जन जो है वो ये वाला है, इसमें आपको बैटरी ऑपरेटेड नहीं देखने मिलता, इसमें आपको डायरेक्ट केबल ऑपरेटेड देखने मिलता है विद स्टैंड और बहुत ही ज्यादा जो नेक्स्ट लेवल लगता है, क्योंकि ये डायरेक्ट भाई आप रात भर इसको ऑन कर सकते, ऐसा नहीं कि बार बार आप इसको बैटरी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये भाई इलेक्ट्रिक से चलता है। तो जैसे ही आप इसको ऑर्डर करते हो आप इसको डिलीवर हो जाता है, तो उनकी तरफ से एक अच्छा सा वीडियो भी आ जाएगा कि कैसे इसको असेंबल करना है, और असेंबल करना बहुत ही ज्यादा ईजी था, मैंने खुद किया है और नेक्स्ट लेवल लगता है। भाई मजा आता है, लगता है कि हम आयरन मैन जैसा बन रहे हैं, कुछ बना रहे हैं यार, नेक्स्ट लेवल लगता है। तो ये वाला जो चीज़ है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था और आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना मत भूलिए और इसको परचेज करना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक और इंस्टाग्राम हैंडल सब देखने मिल जाएगा आपको, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, और ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए टेक फाइनेंस के साथ। लेट्स टेकिफाई।